भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही, ईडी सीबीआई और आईटी को उनके पीछे घेराबंदी कर रहा है। तेजस्वी यादव अभिमन्यु नहीं कि उनको घेर करके आप मार दीजिए। ईडी और आईटी जो है और सीबीआई, ये भारतीय जनता पार्टी का कॉर्पोरेट संगठन है। देश को चमकाना, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना। मलिया भाग जाते हैं, कोई खबर नहीं। नीरव मोदी भाग जाते हैं, कोई उन पर कार्रवाई नहीं। उनके लोग जब उनके वॉशिंग मशीन में जाते हैं वो साफ हो जाते हैं। उनके एक सबसे बड़े पहचान है नौजवानों का, उनके प्रति सकारात्मक स्थिति है। 33 वर्ष का नौजवान आज देश में इतनी बड़ी शक्ति उभरा है कि भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही, ईडी सीबीआई और आईटी को उनके पीछे घेराबंदी कर रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव अभिमन्यु नहीं कि उनको घेर करके आप मार दीजिए। ये ईडी और आईटी जो है और सीबीआई, ये भारतीय जनता पार्टी का कॉर्पोरेट संगठन है। जैसे युवा विंग है, छात्र विंग, उसी तरह से ये भी विंग है, वो काम कर रहा है, करने दीजिए। मुख्यमंत्री के रूप में देख सकते हैं इनको आगे। मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के रूप में तो जनता ने 2020 में वोट दिया ही है, लेकिन अभी हमें हड़बड़ाहट नहीं है, छटपटाहट नहीं है। हमारे सामने बिहार को चमकाना है, देश को चमकाना है, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है, देश को अतताइयों से बचाना है, संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। क्यों नहीं हो पा रहा है भैया? ये तो उनसे पूछिए कि क्यों नहीं हो रहा है। अडानी का जो वहाँ बंदरगाह है, उस बंदरगाह से 11 करोड़ जो हमारा जो वहाँ जो थे वो नशे के सामान, वो ड्रग्स से वहाँ से गायब हो गए, तो कोई कार्रवाई नहीं। अडानी भाग जाते हैं, मलिया भाग जाते हैं, कोई खबर नहीं। नीरव मोदी भाग जाते हैं, कोई उन पर कार्रवाई नहीं। उसी तरह से कई जो कॉरपोरेटर हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, उनका कोई कार्रवाई नहीं होगा, इस बात का परिचित है। और उनके लोग जब उनके वॉशिंग मशीन में जाते हैं वो साफ हो जाते हैं। और वॉशिंग मशीन चलाने का काम तो धोबी का है, हम लोग का है, और हम लोग सफाई करते हैं और हम लोग गंदगी को धोते भी हैं। तो राजनीति में जिस तरह से देश को गंदा किया जा रहा है, उसको भी धो करके इस देश को शुद्ध बनाने का काम करेंगे, ये बता देना चाहते हैं। के दौरा बिहार, अमित शाह का लगातार दौरा शुरू हो गया बिहार में, क्या लग रहा है राजनीति के लिए? क्या एहसास हो रहा है कि उनके अंदर कितनी छटपटाहट है, बौखलाहट है? बिहार ने एक दिशा देने का काम किया। जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार और 7 पार्टियों ने जब महागठबंधन बनाया, उस महागठबंधन का परिणाम ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिटने वाला है। और ये बौखलाहट जो है, और उनका एक सर्वे भी उन लोगों ने करवाया था, सर्वे की रिपोर्ट में भी कि बिहार में 40 सीटें उनको एक सीट नहीं मिलने जा रहा है। झारखंड में भी उनकी स्थिति बहुत खराब है, बंगाल की स्थिति बहुत खराब है, उत्तर प्रदेश में भी स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। तो उनका जाना तय है, क्योंकि देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से शोषण बढ़ा है, जिस तरह से आर्थिक गुलामी बढ़ रहा है, इस देश में सिर्फ 74,000 करोड़ रुपया बैंकों का अडानी को माफ़ कर दिया गया था। हमारे बच्चे बैंक में लोन लेने जाते हैं, उनको लोन नहीं मिल पाता है। और 80,000 करोड़ रुपया LIC का पैसा, जो हमारा पैसा है, हम गरीबों का पैसा है, वो पैसा चला जाता है अडानी के शेयर को खरीदने में। ये क्या हो रहा है? तो जनता अब पूरी रूप से परेशान है और जनता ने तय कर लिया है, और इसी का बौखलाहट है कि वो अब दौरा कर रहे हैं। गृह मंत्री, इनको देश देखना है, वो अब जिले जिले में और लोकसभा क्षेत्रों में जा करके सभा कर रहे हैं। इस बात का परिचायक है कि वो विपक्ष को हर तरह से साजिश करके परास्त करना चाहते हैं। आप देख लीजिए जिस तरह से तेजस्वी यादव जी को, लालू यादव जी को, रावी देवी को और तमाम उनके परिवार के लोगों को, और जिस तरह से साजिश के तहत फंसाया गया, कोई सबूत नहीं मिला, कोर्ट ने आज उनको जमानत दे दी। इस किस बात का परिलक्षित है? परिलक्षित कि वो परेशान करना चाहते हैं। मैं यही कहता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, और यही बात।